हेलो गाइस, दिस इज़ निक और मैं आपके सामने समय जो स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं नंबर्स, वो एक प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट के हैं जिसमें मैंने कल जो प्रॉफिट जनरेट किया है बाय सेलिंग वो है $359 का। और लास्ट 7 दिन के अंदर ये स्टेटस है, जैसे आप देख पा रहे हो हर दिन की सेल यहाँ दिख रही है, और लास्ट 30 डेज का अगर मैं देखूँ तो ये फिगर आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ऐसे 5 प्रोडक्ट देने वाला हूँ जो आप एक्चुअली में फादर्स डे पर सेल कर सकते हो, जिससे आप इक्विवेलेंट या इससे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो बहुत इजीली, यू नो। और इसके जो बेनिफिट्स आपको मैं मिलेंगे वो ये हैं कि आप ऐसे प्रोडक्ट सेल कर पाओगे जिसे आपको होल्ड नहीं करना, मतलब आपको इसकी इन्वेंट्री बाय करके रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ईजिली सेल कर सकते हो। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा जहां पे आप इसे सेल कर पाओगे, जहां पे आपको इन प्रोडक्ट को लिस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ आपको उन प्रोडक्ट्स को जब आप सेल करोगे तो आपको कहीं से भी उन प्रोडक्ट्स को, यू नो, आपको कहीं पर इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी, तो आपके पास जब ऑर्डर आएगा आप तभी उस प्रोडक्ट को शिप करोगे। तो बने रहना इस वीडियो के साथ, बिकॉज एट द एंड मैं वो प्लेटफॉर्म शेयर करूंगा। बट अभी मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूं वो ऐसे 5 प्रोडक्ट्स जो आप सही में फादर्स डे पर सेल कर सकते हो। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है एक मग, और मैं आपको इस मग का एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि इस मग के ऊपर लास्ट ईयर फादर्स डे के दौरान 8,700 से ज़्यादा कमेंट्स और 6,500-400 शेयर्स आए थे। मतलब ये मग अगर मैं मिनिमम भी बोलूं तो इसने $1,00,000 से ऊपर का रेवेन्यू किया है, मिनिमम टू मिनिमम। मतलब बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव वर्कर होके मुझे बोलना पड़ेगा कि 1,00,000 मिनिमम, लेकिन अगर सही में मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूं और मुझे इस इंडस्ट्री में 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मिनिमम इसने $500,000 का रेवेन्यू किया है। और अगर इसमें बंदे ने $500,000 का रेवेन्यू किया है और 20% प्रॉफिट निकाला है, तो आप अंदाज़ा लगा लो $1,00,000 के आसपास का इसके अंदर प्रॉफिट है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ये मग कहाँ से ले सकते हो, जहाँ, और एक्चुअली आपको खुद भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपके पास ऑर्डर आएगा तभी आप इस तरीके के मग को कस्टमर को भेजोगे, उससे पहले आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा, बने रहना इस वीडियो के साथ। सेकंड प्रोडक्ट जो आप इस फादर्स डे पे टारगेट कर सकते हो वो है इस तरीके का, यू नो, स्पेशल ड्राइंग, ये कार्टून, मतलब आपके पिक्चर्स को कार्टूनाइज कर देती है या कार्टून में चेंज कर देती है। ये बहुत पॉपुलर है और आप देख पाओगे कि इसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा गदर इंगेजमेंट है। और ये प्रोडक्ट आप या इससे सिमिलर प्रोडक्ट आप इस साल भी सेल कर सकते हो, या आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। और इस पर्टिकुलर मग को तो आप अपने आप बना के टेक्स्ट चेंज करके सेल कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब जो तीसरा प्रोडक्ट है वो अगेन एक वॉल आर्ट है। अब ये वॉल आर्ट में पिक्चर लगी हुई है और स्पेशली ये एक मेमोरी के उस पर बना हुआ है, और जहाँ पे आप देख पा रहे हो अच्छे खासे इनके पास कमेंट हैं। तो ये तीसरा ऐसा प्रोडक्ट है जो आप या इससे सिमिलर प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हो फादर्स डे में US मार्केट के अंदर। अगेन आपको इस प्रोडक्ट को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इसका वेंडर भी मैं बता दूंगा, आपको मैं ये भी बता दूंगा आप इसे लिस्ट कहाँ करोगे, और आपको कोई भी फेसबुक एड्स, जो कई लोग सोच रहे होंगे अरे यार फेसबुक एड्स में मुझे प्रॉब्लम आती है, मुझे इसमें प्रॉब्लम आती है, मैं क्या करूँगा, आपको उसकी भी दिक्कत नहीं आएगी। गूगल एड्स किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्ट्रेट अवे जाके उस जगह पे उन प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो और एक्चुअल में सेल लेके आ सकते हो। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है अगेन वो एक टी शर्ट है। टी शर्ट सबसे आसान प्रोडक्ट है बेचना, अगेन इसके अंदर क्रेजी इंगेजमेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इंगेजमेंट वाले पोस्ट ही हैं जो आपको आपके इस साल के विनर्स देंगे, यू नो। और ये टी शर्ट आराम से $16 से लेके $24 के बीच में, या मतलब $20 से $24 के बीच में आप आराम से सेल कर सकते हो, और अगेन आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट प्रोडक्ट जो है वो अगेन एक डाइट टी शर्ट है जो कि फिर से उसी दौरान लॉन्च हुई थी। अब मई चल रहा है गाइस, मैं जिस दिन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 मई, तो 16 मई, ये 9 मई को लॉन्च हुई थी लास्ट ईयर। तो मतलब अभी भी सही टाइम है इस तरीके की टी शर्ट्स को लॉन्च करने का, बिकॉज फादर्स डे जो है वो नेक्स्ट मंथ आने वाला है। तो अब ये 5 प्रोडक्ट तो आप लोगों को मालूम पड़ गए जो आप एक्चुअली इस फादर्स डे पे भी लॉन्च कर सकते हो। अब आप लोग पूछोगे कि ठीक है प्रोडक्ट तो हमें मालूम पड़ गए, अब हम क्या, मतलब इसका हमें फ़ायदा क्या है।
फ़ायदा ये है इन प्रोडक्ट्स को चूज़ करने का कि ये प्रोडक्ट्स आपको यूएस से आराम से सोर्स हो जाएंगे, और सोर्स भी ऐसे होंगे कि जब कस्टमर ऑर्डर करेगा आपको तभी देने हैं। दूसरा, आप लोग पूछोगे चलो ठीक है आपने ये तो बता दिया, इसका बेनिफिट तो ये रहा, लेकिन मुझे ना फेसबुक एड्स नहीं आती, ठीक है मुझे गूगल एड्स नहीं आती, मैं फेसबुक पे बेच नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। ये सारे सब लोगों के पास एक मैं बोलूँ एक्सक्यूज़ होगा या कि चैलेंज होगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हो। तो गाइज, ये वो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप ये सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हो, जिसका नाम है एटसी। इसके ऊपर मैंने रिसेंटली 2 वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखना, आपको और नॉलेज मिलेगी। तो आप जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, लेट्स सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये टी शर्ट है, आपको इस तरीके की टी शर्ट बनानी है और इसे लिस्ट करना है, तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाके अपना अकाउंट बनाओगे, और अकाउंट बनाने के बाद ये प्रोडक्ट आप लिस्ट कर दोगे। लिस्टिंग आपकी हो गई तो आपका एक मैटर तो सॉल्व हो गया, आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। अब लोग बोलेंगे कि चलो प्रोडक्ट तो लिस्ट हो गया है, व्हाट अबाउट मैं ये प्रोडक्ट लेके कहाँ से आऊँगा, अगर मेरे पास सेल आ गई तो। आप लेके कहाँ से आओगे, तो लेके आओगे आप प्रिंटफुल से। तो प्रिंटफुल, अगर आप प्रिंटफुल के ऊपर अपना अकाउंट बनाओगे तो प्रिंटफुल की जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्टली एटसी के साथ हो जाती है। तो जब एटसी के साथ हो जाएगी तो क्या होगा, अगर आपने अपना प्रोडक्ट अपलोड किया है प्रिंटफुल के थ्रू ऑन एटसी, तो जो भी ऑर्डर्स आएंगे एटसी के ऊपर वो ऑटोमेटिकली प्रिंटफुल पे चले जाएंगे, और प्रिंटफुल उसे प्रिंट करके आपके कस्टमर को पहुंचा देगा। तो आपसे वो सिर्फ उतना प्रोडक्ट का चार्ज करेगा प्रिंटफुल, और सारे पैसे जो आपके पास एटसी के अंदर आएंगे वो आपकी जेब में जाएंगे, तो आप उसका मैं अपना कट ले लोगे। अब कई लोग बोलेंगे एटसी पे हमारे पास सेल कैसे आ जाएंगी अगर हम अपलोड करेंगे, तो एटसी पे सेल इस वजह से आएंगे बिकॉज एटसी एक मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर लोग हमेशा गिफ्टिंग के प्रोडक्ट सर्च करते रहते हैं, और मतलब इसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके पास आता है। आपको जिस चीज़ पे मेहनत करनी है वो है आपकी लिस्टिंग, जो आप टाइटल यूज़ कर रहे हो, तो आप ज़रूर ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे फादर्स डे, बेस्ट डैड शर्ट, और इस तरीके से अगर मग बेच रहे हो तो मग लिखोगे यहाँ पर और अपनी लिस्टिंग करोगे। अगर आपको और नॉलेज चाहिए इस बारे में कि एटसी की लिस्टिंग कैसे क्रिएट होती है, मैं एटसी के ऊपर टी शर्ट अगर मुझे लिस्ट करनी है तो मैं वो कैसे करूँ, तो कमेंट करके मुझे बोलो, बताओ। अगर इस वीडियो के ऊपर अगेन 200 से ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने एटसी स्टोर को प्रिंटफुल के साथ लिंक कर सकते हो और अपने इस प्रोडक्ट्स को बेसिकली ऑटोमेशन पे बेच सकते हो। तो मुझे कमेंट करके बताना, लेकिन लाइक टारगेट इसका 200 है, तो 200 लाइक टारगेट होना ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, 200 लाइक्स, दैट्स द टारगेट, और मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्द।